Welcome back to my YouTube channel. हमारा lecture number 10 है definite integrals का. मतलब आज की वीडियो में हम definite integrals के अंदर limit as a sum. हमने last वीडियो में कुछ questions करे थे. आज पूरा explanation समझेंगे through a graph. Graph की help से हम जो formula हमने लिखा था b minus a limit n tends to infinity 1 upon a फिर f a फिर plus f a plus h वो वाला formula हम देखेंगे कि वो आया कहाँ से आखिरकार. So video start करते हैं. ये graph मैंने already बना रखा है यहाँ पे पहले से. देखो इसको मैं स्टार्टिंग से बता देता हूं आपको. यहाँ पे हम y इक्वल्स टू एफ एक्स एक फंक्शन लेंगे. हमने सबसे पहले क्या करा, हम लेट कर रहे हैं कि हमारे पास ये इंटीग्रल है a से b एफ एक्स डी एक्स. हमारा क्या फॉर्मूला होता था पहले, हम यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला लिख देते हैं आर एच एस साइड. फॉर्मूला होता था b माइनस a लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन n एंड ब्रैकेट के अंदर एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस डॉट 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 प्लस कहां तक एन माइनस ए तक एफ ए प्लस एन माइनस ए इंटू एच. ये आपका ब्रैकेट क्लोज. तो ये हमारा लिमिट एज अ सम का फॉर्मूला होता था. इसके लिए अगर हमें ये फाइंड करना है तो हम लिमिट एज अ सम की हेल्प से इस फॉर्मूले का यूज करेंगे एंड फिर हम अपने फाइनल आंसर पर पहुंचेंगे. इसमें हमें इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं होती. अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो आप देख सकते हो, उसमें हमने बेसिक समझे थे. आज हम देखने वाले हैं कि हमें ये फॉर्मूला मिला कहां से, इसका यूज क्या है. ठीक, तो सबसे पहले हम एक ग्राफ बना लेते हैं वाई इक्वल्स टू एफ एक्स का. ये जो फंक्शन है एफ एक्स उसका ग्राफ बना लेते हैं. ठीक, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेट्स सपोज कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ बन रहा है एंड ऐसा कुछ ग्राफ है आपका एंड यहाँ पे ये आपका x इक्वल्स टू a है. देखो लोअर लिमिट है a तो x इक्वल्स टू a पीछे आएगा एंड अपर लिमिट है b तो x इक्वल्स टू b आपका आएगा आगे. ठीक, मैंने आपको क्या बताया था कि डेफिनेट इंटीग्रल्स क्या होता है. डेफिनेट इंटीग्रल्स आपका है एरिया अंडर कर्व. एरिया अंडर कर्व बिटवीन बिटवीन किसके, ए एंड बी. ए एंड बी, ए एंड बी. अब देखो ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में एंड कर्व के अंडर में, ये जो कर्व बना है इसके नीचे जितना भी एरिया है वो इस इंटीग्रल का आंसर आएगा. ये हमने लास्ट लेक्चर में समझा था एंड जो डेफिनेट इंटीग्रल्स का फर्स्ट लेक्चर था उसमें. मींस जो ये एरिया आएगा हमारा, ये हमारा डेफिनेट इंटीग्रल्स. अगर हम सॉल्व करेंगे ये तो हमें एरिया मिल जाएगा, ये जो शेडेड पार्ट है ब्लू पार्ट से. ठीक, अब लिमिट एज अ सम क्या कहता है. लिमिट एज अ सम कहता है कि इसको हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे, इसको हम ब्रेक करेंगे सब पार्ट्स में. जैसे कि देखो यहां से अभी मैं ब्लू पार्ट रब करता हूं एंड लिमिट एज अ सम पे आते हैं. लिमिट एज अ सम क्या कहती है, लिमिट एज अ सम कहती है, देखो सबसे पहले वर्ड्स पकड़ो क्या है. लिमिट एज अ सम मतलब कि सम करना है. सम किसका करना है, छोटे छोटे पार्ट होंगे ऑब्वियसली उनका सम करेंगे तो एरिया के इक्वल वो आ जाएगा. समझते हैं कैसे करना है. तो हमने क्या करा, इसको पहले अगर मैं ऐसे बोलूं कि इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक ये वाला पार्ट है एक ये वाला पार्ट, तो आप क्या करोगे कि इस पूरे टोटल का एरिया बताना है तो आप पहले फर्स्ट पार्ट का एरिया प्लस सेकेंड पार्ट का एरिया. अगर आपको इस पार्ट का एरिया बताना है टोटल एरिया, टोटल एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट प्लस एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट. ठीक, टोटल एरिया क्या हो गया, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट प्लस एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट. अगर मैंने इसको रब करके तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तीन इक्वल पार्ट्स में, यह आपका फर्स्ट पार्ट, यह आपका सेकेंड एंड यह आपका थर्ड, तब आपका टोटल एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट एंड एरिया ऑफ थर्ड पार्ट प्लस एरिया ऑफ थर्ड पार्ट. ठीक, सिमिलरली अगर मैं इसमें फोर पार्ट्स कर दूं तो इसमें हम प्लस एरिया ऑफ फोर पार्ट्स कर देंगे. मतलब कि अगर हम जितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं उन सबका सम लेना पड़ रहा है, उन सबका सम लेना पड़ रहा है. देखो टोटल एरिया निकालने के लिए उन सबका सम लेना पड़ रहा है एंड टोटल एरिया क्या है इसका, इस पूरे जो कर्व है इसका टोटल एरिया क्या होगा, उसका टोटल एरिया होगा ये एफ एक्स डी एक्स लिमिट ए से लेकर बी तक. क्यों, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल्स हमने पढ़ रखा है एरिया अंडर कर्व बिटवीन ए एंड बी. ए एंड बी आपके कोई भी रैंडम नंबर हो सकते हैं. तो
तो हमने इस जो कर्व का एरिया है वो क्या हुआ, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट प्लस एरिया ऑफ सेकंड पार्ट प्लस एरिया ऑफ थर्ड पार्ट प्लस एरिया ऑफ फोर पार्ट्स। अब इसमें अब लिमिट्स कहां से आएंगी, देखो इसे चार पार्ट्स को रब करते हैं हम, ये चीज आई थिंक आपको समझ में आ गई कि अगर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो सबके एरिया का सम हमें करना पड़ेगा। गुड, इसके आगे बढ़ते हैं। अगर लिमिट एज अ सम कहती है कि इसको हम n पार्ट्स में डिवाइड कर दे, n बहुत बड़ा नंबर, n कोई बहुत ही बड़ा नंबर मतलब कि इनफाइनाइट जितना, n पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, लेट से ये ऐसे करते करते हम डिवाइड करते चले गए, n इक्वल पार्ट्स मतलब हर पार्ट इक्वल है, ड्रॉ यहां पे हर इक्वल पार्ट ड्रॉ नहीं हो पाएगा बट यस हर पार्ट इक्वल, हमने इक्वली डिवाइड कर दिया, इतना समझ लो बस आप लोग, हमने हर चीज को इक्वली डिवाइड कर दिया। देखो यहाँ पे आपका इक्वल डिवीजन लगभग लगभग हो गया, मतलब ये तो हैंड ड्रॉन है इसलिए इक्वल नहीं हो पाया, बट लिमिट एज अ सम में आपके n इक्वल पार्ट्स में देखो कितने पार्ट्स हो गए, पहला पार्ट दूसरा तीसरा चौथा, मतलब बहुत सारे पार्ट हो गए आपके, ये तो फिर भी आपको विजिबल है, इतने पार्ट्स में डिवाइड करना है कि आपको ये लाइंस विजिबल ना हो, मतलब देखो इन दोनों के बीच में आपकी एक दो लाइन और आएंगी, इसके बीच में आपकी एक दो लाइन और आएंगी, मींस आपको n पार्ट्स में डिवाइड करना है, n पार्ट्स में डिवाइड करना है ठीक, एंड n आपका बहुत बड़ा नंबर है, आपको क्या करना है n इक्वल पार्ट्स में, n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा ठीक, तो फिर आपका ये जो एरिया है ये एरिया किसके इक्वल हो गया, अगर देखो चार पार्ट्स थे तो चार का अलग अलग एरिया ऐड करा, तीन पार्ट्स थे तो तीन का अलग अलग एरिया ऐड करा, अगर n पार्ट्स हैं तब क्या करेंगे, प्लस ए फाइव प्लस ए सिक्स प्लस डॉट 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 कहां तक, ए एन तक, मतलब फर्स्ट पार्ट का एरिया, सेकंड पार्ट का एरिया, थर्ड पार्ट का एरिया, फोर्थ पार्ट का एरिया, कहां तक करते जाएंगे, जब तक एंथ पार्ट मतलब ये जो लास्ट वाला पार्ट, इस पार्ट का एरिया हम ना पहुंच जाए तब तक हम ऐड करते चले जाएंगे। ये बात यहां तक समझ में आई कि देखो डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है हमारा, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व मतलब ये एरिया, इसको हमने n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा, सबसे पहले हमने दो पार्ट में डिवाइड करा, तो फर्स्ट पार्ट का एरिया प्लस सेकंड पार्ट का एरिया हो गया हमारा टोटल एरिया, तीन में डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड का एरिया टोटल एरिया के इक्वल, चार में करा था तो चार का सम, n पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, n क्या है हमारा, n लगभग लगभग इन्फिनिटी है, n हमारा इन्फिनिटी नहीं है बट लगभग लगभग इन्फिनिटी है, अगर इन्फिनिटी हमारा थाउजेंड पे है तो हमारा जो n है वो हमारा 900, 920, 950 के आसपास है, मतलब इन्फिनिटी अभी हुआ नहीं है, इन्फिनिटी होने वाला है, बहुत ही बड़ा एन है ठीक, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब ये आपका एरिया आ चुका है, टोटल एरिया आ गया, मतलब फर्स्ट पार्ट का एरिया, सेकंड पार्ट का एरिया, थर्ड पार्ट का एरिया। अब सिंस यहाँ पे एन बहुत बड़ा है तो हमें बताना पड़ेगा कि एन कितनी वैल्यू है एन की, तो हमने एन की वैल्यू बताने के लिए लिमिट ऑफ एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, जो एरिया है देखो सबका सम करा, एन पार्ट्स में डिवाइड करा ठीक, इसमें हमारा जैसे हमने चार पार्ट्स में डिवाइड करा था यहां तक, तो हमने चार पार्ट में कुछ हमने लिमिट वगैरह नहीं दी थी, क्यों, क्योंकि वो फाइनाइट टर्म्स थे, चार पार्ट के हम एरिया अलग अलग निकालते हैं उनका सम कर लेते, सिंस यहाँ पे बहुत ही बड़ी चीज हो गई है, यहाँ पे बहुत ज्यादा सम हो गए हैं, एन पार्ट्स में डिवाइड करा है हमने एंड एन हमारा टेंड कर रहा है इन्फिनिटी की तरफ, तो हमें यहाँ पे लिमिट बतानी पड़ेगी कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट जो एन की लिमिट है वो बस इन्फिनिटी चेंज होने वाली, मतलब इन्फिनिटी में बदलने वाला है एन, इन्फिनिटी से बस थोड़ा सा ही कम है। इतनी बात अगर समझ में आई तो बताओ आगे चलूं, क्या था, एरिया अंडर कर्व, पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पूरा एरिया इक्वल टू हर पार्ट का सेपरेट सेपरेट एरिया, इतनी चीज आपको अगर समझ में आ गई तो आपका लिमिट एज अ सम काफी ज्यादा इजी हो जाएगा ठीक है। यहां से ये चीज यहां से ये रब करता हूं मैं, एंड आई थिंक ग्राफ अभी रब करने की जरूरत नहीं है, देखो नीचे कंटिन्यू करते हैं, एन पार्ट्स में डिवाइड करा, सबसे पहले उसको उस साइड लिख लेते हैं, इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू, अब हर पार्ट का हम एरिया कैलकुलेट करेंगे, हर पार्ट का हमें क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करना है, तो देखो सबसे पहले एरिया कैलकुलेट करना है, अब एक चीज देखो आप ये वाला ब्लॉक देखो, आप ये वाला ब्लॉक देखो ध्यान से, जो जिसमें मैं आपका ब्लैक ब्लैक से शेड करने वाला हूं, आप ये वाला पार्ट देखो पूरा ठीक,
ये आपका एक स्ट्रिप है, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। अगर मैं इसको बाहर करके दिखाऊं तो ये ऐसे बना हुआ है, एंड इसकी जो विड्थ है बहुत ही ज्यादा छोटी है, विड्थ आपकी बहुत ज्यादा छोटी है। अभी उस पर आएंगे कि कितनी बड़ी होगी कितनी बड़ी नहीं होगी। अगर मैं पूछूं कि इसका एरिया क्या है, लेट से इसकी जो विड्थ है वो ए एंड इसकी जो हाइट है वो है बी, तो इसका एरिया क्या आएगा, ए इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, इसका एरिया यही आएगा। तो अगर हम बहुत ही अगर छोटी छोटी चीजों में देख रहे हैं, जैसे आपने ये चीज सुनी होगी, ये अगर सर्कल है तो आप सर्कल में यहां से यहां तक देखो तो ये आपको एक ट्रायंगल दिखेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कम डिस्टेंस चले हो तो आपको ये स्ट्रेट लाइन दिखेगी। जैसे अर्थ में, अर्थ आपकी ग्लोब पूरा एक स्फीयर है, बट बहुत बड़ी है, बहुत ही बड़ा स्फीयर है, तो हमें फ्लैट दिखती है। ठीक, उस चीज में अभी हम डिटेल में नहीं जा रहे, बस इतनी बात है कि अगर कर्व को हमने बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करा है तो जो दो के बीच में गैप है, जैसे यहाँ पे गैप देखो, ये आपको पूरी स्ट्रेट लाइन दिख रही होगी, यहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन लगेगा, स्ट्रेट लाइन है नहीं, वो स्ट्रेट लाइन आपको लग रही है, तो इसका एरिया भी लगभग क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक, ये चीज हमें समझ में आ गई, गुड। अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब लेंथ इंटू ब्रेथ वाली बात अगर समझ में आ गई आपको तो अब आपका बहुत इजी हो जाएगा। अब सबसे पहले अगर इसको हमने n पार्ट्स में डिवाइड करा है, मतलब कि a से स्टार्ट करा एंड b पे खत्म करा हमने, तो सबसे पहले ये पूरी जो बेस है वो कितना बड़ा है, ये बेस कितना बड़ा होगा आपका, देखो समझो इस चीज को, यहां से लेके यहां तक आपका है a एंड यहां से लेके यहां तक है आपका b, इतना पोर्शन आपका a है एंड इतना पोर्शन आपका a है b है, तो इतना पोर्शन यहां से लेके यहां तक कितना होगा, ये होगा आपका b माइनस a। b माइनस a वाली बात समझ में आई, ये हमारा हो गया b माइनस a। ठीक, कैसे, यहां से लेके यहां तक, ओरिजिन से लेके a तक हमारा a, ओरिजिन से लेके b तक हमारा b, तो a से लेके b तक कितना हुआ, b माइनस a। ये चीज आई थिंक सबको क्लियर हो गई होगी, काफी इजी है। अब इसको हमने n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है, n इक्वल पार्ट्स मतलब बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया है इसको, जैसे कि ये आपका एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा, डिवाइड करते चले गए। अब हम ये चीज सपोज कर रहे हैं, हमने एक नंबर पढ़ा था h, जो आपका नेग्लिजिबल होता है, h हमेशा क्या करता है, h ऑलवेज टेंड्स टू जीरो, हमारा h जो नंबर है वो हमेशा बहुत ही छोटा रहता है हमारा। अगर h बहुत छोटा है तो हम मान लेते हैं कि इनके बीच का जो गैप है दो स्ट्रिप्स के बीच में, जैसे आपकी देखो आपकी ये वाली, ये जो लाइन खींची है ये वाली एंड ये वाली लाइन, इसके बीच में हम गैप मान लेते हैं h, इसके बीच में अगर हमने h गैप माना, h आपका बहुत ही छोटा है, लगभग लगभग 0.00001 h आपका जीरो है लगभग। ठीक, तो हमारी हर उसकी विड्थ क्या होगी, यहां पे आ गया आपका a, ठीक, यहां से a से स्टार्ट करें, ये हो गया आपका a प्लस h, फिर हो गया आपका a प्लस 2h, फिर हो गया आपका a प्लस 3h, ऐसे हम बढ़ते जाएंगे। इसको अभी हम समझेंगे, बट हम समझते हैं कि हम b और a की टर्म्स में कैसे निकालें। ये आपका पूरा b एंड a है, n पार्ट्स में डिवाइड करा। अगर देखो ऐसे होता आपका एक कोई बॉक्स है एंड उसको हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड करा है, b माइनस a इसकी लेंथ है एंड ये तीनों पार्ट्स आपके आइडेंटिकल हैं, मतलब ये लेंथ, ये वाली लेंथ एंड ये वाली लेंथ आपकी तीनों इक्वल हैं, तीनों इक्वल लेंथ हैं। तो हमारे हम कैसे बताएंगे कि ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ कितनी होगी, तो हम इसको x लेट कर लेंगे, x, फिर इसकी x, फिर इसकी x, x प्लस x प्लस x, मतलब ये तीनों इक्वल थी, इन तीनों का सम किसके इक्वल, ये पूरी अगर b माइनस a है तो हमारा x क्या आ गया, b माइनस a अपॉन 3। हमारे पास विड्थ कितनी आ गई, x इक्वल्स टू b माइनस a अपॉन 3, 3 क्या है, जितने पार्ट्स में डिवाइड करा है, 3 क्या है, जितने पार्ट्स में डिवाइड करा है, 1, 2, 3, इसमें कितनी पार्ट्स में डिवाइड करा है हमने, n पार्ट्स में डिवाइड करा है एंड हमने इसकी विड्थ कितनी मानी है, h, जो कि बहुत ही छोटा नंबर है, तो इसकी विड्थ h कितनी हो गई, b माइनस a अपॉन n, जितने पार्ट्स में डिवाइड करा है उससे अगर डिवाइड करेंगे तो हमें हर पार्ट की विड्थ मिलती जाएगी, कितना कितना चौड़ा है वो, एंड यहाँ पे हमने h माना है, h बहुत ही छोटा नंबर है, तो h इक्वल्स टू b माइनस a, जितने पार्ट में आपने डिवाइड करा उससे हम, जितने पार्ट में हमने इस पूरे एरिया को डिवाइड करा है n, जो कि इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, वो हो जाएगा हमारा एक स्ट्रिप का, एक स्ट्रिप के बीच में गैप, मतलब एक स्ट्रिप की विड्थ हो जाएगी वो, इन शॉर्ट। हमें
विड्थ मिल गई है। विड्थ क्या है हमारी, बी माइनस ए अपॉन एन, बी माइनस ए अपॉन एन, इसको हम एक साइड में लिख लेते हैं, हमारे काम में अभी आएगी, बी माइनस ए अपॉन एन। हमें विड्थ मिल गई, हमें एरिया निकालना है, तो हमें लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ हमने निकाल ली, अब हम निकालते हैं हाइट कितनी है। अब ये हाइट चाहिए हमें, ठीक। अब देखो सारी हाइट कैसे कैसे आएंगी, यहां से मेरा करता हूं, इसका दूसरा एग्जांपल से आप समझोगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, आपको एक बार ये फॉर्मूला लिमिट एज ए सम का समझ में आ गया कहां से आया, तब आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। अगर मैं ये पॉइंट है, ठीक, लेट से 3,2, मतलब यहां से ये 3 यूनिट दूर है एंड यहां से ये 2 यूनिट्स दूर है, 2 यूनिट्स दूर है। अगर मैं पूछूं कि ये कितनी हाइट पे है, कितनी लेंथ पे है या फिर कितनी हाइट पे है, तब आप क्या बोलोगे कि इसका वाई एक्सिस पे जितनी यूनिट है उतनी बता दो, वाई वाई यूनिट पे कितनी है, वाई यूनिट पे इसका जो इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट तो नहीं लेकिन हाँ वाई यूनिट से वो 2 यूनिट ऊपर है, एक्स एक्स एक्सिस से 2 यूनिट ऊपर है एंड वाई यूनिट में अगर देखें तो वो 2 यूनिट्स जा रही है ऊपर, ठीक। ये चीज आपको समझ में आई, 3,2 हमारा पॉइंट है, हमने ड्रॉ कर लिया, एक्स एक्स एक्सिस पे 3 यूनिट साइड में है एंड वाई एक्सिस पे ये 2 यूनिट्स ऊपर है, y एक्सिस में 2 यूनिट्स ऊपर है। सिमिलरली अगर हम हर चीज का सम करें यहां पे तो हमें हर की y की वैल्यू पता होनी चाहिए, y की वैल्यू कैसे पता चलेगी, y की वैल्यू पता चलेगी हमें फंक्शन से, हमें y की वैल्यू बतानी है, y की वैल्यू जैसे इसमें 2 थी तो 2 हो गई उसकी लेंथ, यहां पे हमें y की वैल्यू कौन बताएगा, y की वैल्यू हमें बताएगा y equals to fx, हमने ग्राफ बनाए रखा है, fx का ग्राफ है, y equals to fx का ग्राफ है, y equals to fx का ग्राफ है, तो हमें y की वैल्यू कौन बताएगा, हम x की वैल्यू डालेंगे कहां पे चाहिए एंड हम y की वैल्यू लेते रहेंगे, ठीक। तो अब हम करते हैं सब एरिया का सम, सबसे पहले हमारा हो गया लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, हमें n बताना पड़ेगा कि कहां से कहां तक जा रहा है, तो n हमारा इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। पहले पार्ट का एरिया, पहले पार्ट का एरिया क्या होगा, h हमारा लेंथ क्या है, सबसे पहले हम ब्रेथ मल्टीप्लाई, मतलब ब्रेथ तो हमारी एच रहेगी, सबके बीच में एच एच गैप है, ठीक। एच हमारा हो गया ब्रेथ एंड लेंथ कितनी होगी, हमारी लेंथ होगी एफ ऑफ ए, यहां से देखो यहां से कितनी ऊपर है, एफ ऑफ ए, ये ए पॉइंट है हमारा, ये ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट के लिए ये वाला पॉइंट कितनी ऊपर होगा, एफ ऑफ ए, ये एफ एक्स का ग्राफ है, हम एक्स की वैल्यू डालेंगे, एक्स की वैल्यू यहां पे ए है तो हमें वाई की वैल्यू मिलेगी एफ ऑफ ए, ठीक। प्लस यह हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट का एरिया, सेकंड पार्ट के एरिया कहते हैं, सेकंड पार्ट का एरिया हमें x की वैल्यू चाहिए। अब देखो ये आपकी ऐसे ऐसे स्ट्रिप्स बनी हुई हैं, ये आपका a है एंड इसके बीच में आपका गैप है h, तो ये वाला पॉइंट आपका a प्लस h पे हुआ, फिर इसके बीच में आपका पॉइंट है h, तो ये वाला जो पॉइंट है ये वाला, ये हुआ आपका a प्लस 2h, सिमिलरली ये वाला हुआ a प्लस 3h, तो ऐसे हम h के मल्टीप्ली, h का जो वो है मल्टीप्लीकेशन उसका एड करते जाएंगे a में। देखो a प्लस एच यहाँ पे आ गए, फिर दूसरी बार h ऐड करा तो a प्लस 2h यहाँ पे आ गए, a प्लस 3h हम फोर्थ स्क्रिप्ट पे आ गए, ऐसे ही चलते चलते हम देखो कहाँ पे पहुंच जाएंगे। h तो आपकी विड्थ कांस्टेंट रहेगी, क्यों, आपकी जो चौड़ाई है, विड्थ है, ब्रेथ है, वो आपकी सेम रहेगी, h h h h h हर चीज में सेम, जो आपकी चेंज हो रही है वो लेंथ चेंज हो रही है, देखो यहाँ पे इतनी है तो यहाँ पे इतनी ऊपर जा रही है, फिर यहाँ पे और ऊपर जा रही है, तो वो कैसे पता चलेगा, y equals to fx में x की वैल्यू पता करनी है बस, x की वैल्यू क्या हो गई, अगली स्क्रिप्ट के लिए x की वैल्यू हो गई f a plus h, क्यों, क्योंकि हम x एक्सिस में h यूनिट हम आगे आ गए हैं, h आपका भले ही छोटा नंबर है बट यस x equals to a से हम आगे आ गए हैं h यूनिट्स। थर्ड पार्ट का एरिया क्या होगा, लेंथ क्या है हमारी a plus 2h, फंक्शन में डालेंगे into h एंड ऐसे ही चलते चलते हम कहां पे पहुंच जाएंगे, f a plus, देखो हम फोर्थ स्ट्रिप पे पहुंचे, फोर्थ स्ट्रिप के लिए हमने 3h डाला, थर्ड स्ट्रिप के लिए हमने 2h डाला ये वाला, सेकंड स्ट्रिप के लिए डाला हमने 1 स्ट्रिप 1h, तो हम अगर n स्ट्रिप पे हैं तो हम कौन सी यूनिट डालेंगे, n माइनस 1, एक कम पे जा रहे हैं हम, n माइनस 1h मल्टीप्लाइड बाय h, ठीक। अब ग्राफ का काम हो गया खत्म, ग्राफ यहां से रफ करते हैं, हम मेन फॉर्मूले पे आने वाले हैं कि हमारा फॉर्मूला आया कहां से। देखो अब यहां पे देखो इसमें h आ रहा है, इसमें h एंड आपका इसमें h आ रहा है, हर सब में h आ रहा होगा आपका, क्योंकि विड्थ जो एरिया है, एरिया वन, एरिया टू, एरिया थ्री, हर एरिया में आपकी जो विड्थ है वो कॉमन है, इसलिए हम h कॉमन लेके बाहर कर सकते हैं,
तो हमारी इंटीग्रल a से b एफ एक्स डी एक्स, हमने h बाहर कर लिया, h हमारे लिमिट से बाहर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारा n लिमिट्स के साथ है, h नहीं है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी हमारा क्या है एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस टू एच प्लस डॉट 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 प्लस एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। एच की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, एच की वैल्यू निकाली थी बी माइनस ए डिस्टेंस था, जितने पार्ट्स में डिवाइड करा उससे डिवाइड कर देंगे, एन पार्ट्स में डिवाइड करा पूरे को एरिया को, तो हमने बी माइनस ए को एन से डिवाइड करा, हमें एच की लेंथ मिल गई, तो हम यहां पे एच की वैल्यू डाल देंगे, तो बी माइनस ए बाहर रहेगा आपका, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी वन अपॉन एन आपका आ जाएगा अंदर, क्योंकि वो लिमिट्स के अंदर रहेगा, अभी लिमिट्स सॉल्व नहीं हुई है ये वाली, इसलिए वो अंदर रहेगा, एंड आपका ब्रैकेट में एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस टू एच प्लस आपका लास्ट में जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच, लास्ट में क्या जाएगा एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, देखो ये इक्वल्स टू दिस, ये फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में लिख लिया था, बी माइनस ए लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी वन अपॉन एन एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस टू एच, आगे बढ़ता जाएगा एन माइनस वन एच तक जाएगा, एंड इसके क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। तो आई होप आप लोगों को आज की चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी, इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एंड जो सब्स्टिट्यूशन मेथड में लास्ट टू लास्ट लेक्चर में देखा था डेफिनेट इंटीग्रल्स का, उस पर भी अभी बातें करनी है, उस पर आपकी एक्सरसाइज 7.10 दे रखी है आई थिंक, तो हमें 7.10 एंड 7.8 एक्सरसाइज अभी सॉल्व करनी है, क्योंकि 7.8 में आपका लिमिट एज अ सम के और क्वेश्चन है, आपके अच्छे क्वेश्चन है जिसमें जीपी एपी का यूज हो रहा है, तो उसको यूज करके हम सॉल्व करेंगे, एंड उसके बाद हम 7.10 पे चलेंगे, एंड हमारी उसके बाद बस लास्ट चीज रह जाएगी क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, प्रॉपर्टीज क्या है आपकी, 8 प्रॉपर्टीज है, उसकी डेरिवेशन देखेंगे 8 की 8, उसके बाद हम पहुंच जाएंगे उसके क्वेश्चंस पे, एंड फिर लास्ट में मिसलेनियस सॉल्व करके ये चैप्टर करेंगे फिनिश। सो अगर आपको लिमिट एज अ सम अच्छे से समझ में आ गया है तो इस वीडियो को थम्स अप कर दो, एंड इस वीडियो को शेयर कर दो अपने ग्रुप में, अपने ट्यूशन ग्रुप में, अपने स्कूल के ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स के साथ, जितने ज्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंचेगी उतने ज्यादा बच्चों की हेल्प हो पाएगी। अगर आपकी कोई क्वेरी रह गई है फिर भी, तब आप नीचे कमेंट कर सकते हो, नीचे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, एंड अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।